नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं मिष्ठान फूड स्टॉक के बारे में। सोगस फिलहाल अगर यहाँ पे देखा है तो मिष्ठान फूड में लगातार डे बाय डे में जो तेज़ी यहाँ पे बढ़कर देखने को मिल रही है, रेगुलरली जो तेज़ी है वो अभी के टाइम देखने को मिल रही है। अब कमेंट्स ये देखने को मिल रहे, तो आगे की जो कंपनी के फ्यूचर के जो टारगेट्स हैं वो किस प्रकार के होने वाले हैं, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ज़्यादा बनने वाला है या शॉर्ट टर्म में, तो टोटल जानकारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और फिलहाल अभी टाइम कंपनी के चार्ट संकेत को लेकर क्या अपडेट नज़र आ रही है, तो वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर प्राइस की अगर बात की जाए तो 13.14 रुपये पर आज की क्लोजिंग देखने को नजर आई है। और कंपनी में अगर देखा जाए तो दोस्तों 13.29 रुपये पर आज की जो है बड़ी जंप पे आप लोग को नजर आई, और 12.92 रुपये तक जो है गिरावट आज के मार्केट पर नजर आई। पर इस बीच अगर देखा जाए तो आज की जो रिटर्न यहाँ पे बढ़कर देखने को नजर आई वो 0.61% की रही। अब इस बीच कंपनी का क्वार्टर टू का जो डेटा था वो भी दोस्तों आप लोग को पिछले टाइम काफी प्रॉफिटेबल डेटा नजर आया था। उसके बाद देखा जाए तो दोस्तों कंपनी में जो तेजी इंक्रीज हुई, काफी अच्छी बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को नजर आई। लास्ट पिछले 5 ट्रेड की अगर बात की जाए तो में जो हाईएस्ट जंप यहाँ पे रहने वाली है 13.54 रुपये तक। उसके बाद एक सिंगल ट्रेड पर दोस्तों बम्प और डंप का खेल नजर आया, उसके बाद गिरावट नजर आए। पर अभी के टाइम करंटली दोस्तों पिछले 5 ट्रेड का डेटा अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो उस पर 2.90% की तेजी अभी रिटर्न पर रहने वाली है। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर देखा जाए तो लास्ट 1 महीने की जो तेजी यहाँ पर रहने वाली है वो 13.69 रुपये रहने वाली है। पर उसी के विपरीत अगर लास्ट 6 महीने का डेटा अगर देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और प्रॉफिटेबल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो लास्ट 6 महीने में कंपनी ने जो रिटर्न पे आउट किया है दोस्तों वो मल्टी बगर पे आउट किया है। तो इस अगर बात इसी के साथ साथ मैं बताऊं तो दोस्तों कंपनी में अगर शॉर्ट टर्म का ओनली 6 महीने के अंदर कंपनी का इतना बड़ा रिटर्न अगर पे आउट हो सकता है तो दोस्तों हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी का जो है लॉन्ग टर्म में दोस्तों कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग को बुक हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो बाउन हाई जो लगा हुआ है दोस्तों वो यहाँ पे 15.10 रुपये लगा हुआ है, और जो लो पर लगा हुआ है वो दोस्तों 7.09 रुपये लगा हुआ है। पर उसके विपरीत अगर देखने को नजर आता है कि जिस प्रकार रिटर्न यहाँ पे देखने को मिले हैं सिंगल लास्ट 6 महीने के अंदर वो लगभग काफी बड़े यहाँ पे और मल्टी बकर देखने को नजर आते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार पिछले टाइम से रेकमेंड कर रहा था कि ऐसा एक पेनी स्टॉक है जिसको हम लगातार अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टर्म से अगर रखते हैं तो उसका जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा मल्टी बकर हम लोग को नजर आ सकता है। तो इसी के चलते मैं लगातार आप लोगों को रेकमेंड कर रहा था। तो अभी टाइम उसी के साथ साथ बेसिक अगर देखा जाए तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी काफी बड़ा देखने को नजर आ रहा है, और मार्केट कैप भी दोस्तों 1314 करोड़ का अभी टाइम देखने को नजर आ रहा है। तो ये भी काफी ज्यादा पॉजिटिव डेटा अभी टाइम निकल कर आ रहा है। और लगातार अगर देखा जाए दोस्तों मार्केट पर जो है बाइंग ऑर्डर डे बाय डे में काफी अच्छी बढ़कर देखने को नजर आ रही है, और इस पेनी स्टॉक के रूप में जो शेयर उभर कर जो आया था वो आगे चलकर एक दोस्तों बड़े स्टॉक के रूप में आप लोग को दोस्तों जो है प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा। और इसके जो फंडामेंटल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा वर्तमान टाइम में देखने को पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। और कंपनी का पी रेशियो अगर देखा जाए तो पी रेशियो दोस्तों अभी टाइम काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। जो एक पॉजिटिव कंपनी का जो 10 से 15 के आसपास का होता है वो 12 से 14 का वर्तमान में देखने को नजर आ रहा है। तो फिलहाल कंपनी का डेटा पॉजिटिव रहने वाला है, और मैं आप लोग को फिलहाल बेसिक जानकारी की और बेसिक फंडामेंटल की ओर लेकर चलो। उससे पहले बता दूँ चैनल पर नहीं है वो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों फिलहाल अगर कंपनी के फंडामेंटल जिस प्रकार मैं मार्केट कैप की बात कर रहा था दोस्तों कंपनी के इंडस्ट्रीज पी अगर देखी जाए, साथ ही साथ दोस्तों कंपनी का जो कर्ज है दोस्तों वो भले ही आप लोग को बढ़ता हुआ नजर आया हो 2 से 3 करोड़, पर उसके विपरीत अगर देखा जाए तो दोस्तों मार्केट कैप 1314 करोड़ का, और स्टॉक्स भी एक बार देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव स्टॉक्स भी आप लोग को देखने को नजर आने वाली। अभी टाइम ROC और ROE का आंकड़ा उपलब्ध नहीं रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी टाइम कंपनी जो है नई नई लिस्टेड हुई थी, आप लोग को पिछले टाइम में आप लोग को पता होगा। पर इस बीच अगर देखा जाए तो कंपनी की EPS रेट अगर देखा जाए तो वो 50 पैसे का वर्तमान में रहने वाला है, जिसमें अगर दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग है 50% के आसपास और 48% के आसपास पब्लिक, और साथ ही साथ देखा जाए FI की तो 2.28% अभी टाइम देखने को रहने वाली है। और लास्ट 1 ईयर की जो सेल हुई है दोस्तों 650 करोड़ की यहाँ पे सेल हुई है, तो प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कंपनी पर रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर भी जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल देखने को नजर आने वाला है। फिलहाल चार्ट एनालिसिस की ओर, तो दोस्तों फिलहाल अगर कंपनी के चार्ट अगर देखा जाए तो दोस्तों चार्ट का जो सिग्नल है वो भी कभी टाइम काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ अगर कंपनी के दोस्तों ग्राफ अगर देखा जाए तो उसका जो भी लगातार जो है दोस्तों ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा देखने को नजर आया था। अभी के टाइम दोस्तों कैंडल्स की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो पॉजिटिव कैंडल्स यहाँ पे दोस्तों बुलिश की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए दोस्तों लगातार सपोर्ट जोन को ब्रेक करती हुई जो मार्केट जो प्राइस है वो आगे बढ़कर देखने को नजर आई है, और लास्ट जो कैंडल्स है वो अभी टाइम भी दोस्तों देखा जाए तो अच्छी खासी पॉजिटिव तेजी की तरफ बढ़ती हुई नजर
नजर आई है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट था क्वार्टर टू के अंदर वो भी काफ़ी बड़ा देखने को नजर आया, और तेज़ी जो इंक्रीज हुई है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को नजर आई है। तो फिलहाल कंपनी के जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उस पर अभी टाइम काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल ऑलरेडी मार्केट पर देखने को नजर आ रहा है। तो जितना हो सके अगर हम पेशेंस अगर होल्ड रखते हैं तो तेज़ी काफ़ी इंक्रीज होने वाली है। फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस शेयर की और कोई बेसिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपके नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।